देश में कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है और इन दिनों में जिस तरह से अभी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है और लोगों को सही समय पे ट्रीटमेंट देते हुए इस महामारी से बचाया जा सके, जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं उन्हें फिर से रिकवर किया जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए बिहार में भी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफ़ी कार्य किया जा रहा है। पटना में जो कहा जा सकता है एक सेंटर बनाया गया, 100 बेड का सेंटर बनाया जा रहा है पटना के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर पहले खेल प्रतियोगिता होती थी, मगर इस तरह से कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल में जो कहा जाता है कि तमाम गतिविधियां जो हैं बंद हो चुकी हैं और इस सेंटर का जो उपयोग है जो कहा जाता है कि जो कोरोना पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए जो है शुरू करने जा रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि 100 बेड का जो है यहाँ पर जो है कोविड के पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेकर जो है ये सेंटर बनाना है। तो इन तमाम गतिविधियों में किस तरह से काम सरकार कर रही है, लगी हुई है, और जो सेंटर बनाया जा रहा है क्या कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पर तो कई तरह के मैच का जो कहा जाता है आयोजन हुआ था उसका तो हमने प्रसार में आपको दिखाया था, मगर अब जो है यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है वैसे मरीज के इलाज के लिए जो कोविड के पेशेंट है, कोविड 19 के पेशेंट है। और देखिए जो लोग हैं इंतजाम में लगे हुए हैं, पूरा सेंटर जो है खाली है और सकता है कि ये सेंटर बनाया जा रहा है जो पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए, और वहाँ पर 100 बेड तक जो है ये सेंटर बनाया जाएगा और ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कहा जाता है कि सिंथेटिक पैड से ये था, मगर अब यहाँ पर कोविड 19 के जो पेशेंट हैं 100 पेशेंट के लिए जो है यहाँ पर ये इलाज के लिए जो है ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाएगा। आप देखिए तैयारियाँ पूरी की जा चुकी है और ये सेंटर शुरुआत करने के लिए जो है जो जरूरी और जो जरूरी सेवाएँ हैं उन तमाम चीज़ों के लिए जो है लोग लगे हुए इलाज कराने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाएगा। और ये आप सेंटर को देख सकते हैं, चारों तरफ बेड लग गए हैं और जो भी जरूरी और उपकरण है चाहे वो ऑक्सीजन से जुड़ा हो या ट्रीटमेंट से संबंधित जो चीज़ है तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे काम हो रहा है। ये पूरे ट्रीटमेंट में जो है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार और डॉक्टर विदाउट बॉर्डर संस्था के तरफ से जो है ये काम किया जा रहा है और संस्था के जो प्रतिनिधि हैं कंट्री हेड हैं और संयोजक कोऑर्डिनेटर जो है उनसे हम बात करते हैं। आप लोगों की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ है आप दोनों लोग अपने से बताते हुए बताइए सेंटर में कैसे आप लोग काम। मेरा नाम स्मृति सिंह है, मैं इस प्रोजेक्ट की डेप्यूटी फील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस मैथ्यू है और मैं डॉक्टर जुदा कॉलेज इंडिया का कंट्री डायरेक्टर हूँ। हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानवीय संस्था है, हम 70 से ज़्यादा देशों में मानवीय काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड और जो मेडिकल का इंतज़ाम करना होता है उसका काम करते हैं। हम बिहार में काफ़ी सालों से हैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कोविड की इंटरवेंशन के लिए हमने बिहार सरकार के साथ कोलैबोरेशन में ये सेंटर बनाया है, तो बिहार सरकार की अनुमति के बाद हम यहाँ पे आए हैं और ये जगह हमें सरकार ने दी, ये इंडोर स्टेडियम जिसको आप देख सकते हैं कि हम लोग अब एक कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये फैसिलिटी बन जाएगी तो यहाँ पे जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट, पूरा इलाज, उनका खाना पीना रहना इलाज और उनके स्वास्थ्य का जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा स्टाफ जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का अपना मेडिकल स्टाफ होगा, जितनी भी सुविधाएं होंगी व्यवस्था होगी हम सब यहाँ पे देंगे। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर जो संस्था है ये पूरा ट्रीटमेंट या जो भी इलाज से संबंधित जो खर्च है ये उनके तरफ से उठाया जाएगा या सरकार की तरफ से सहयोग? यहाँ पे जितना खर्चा होगा इलाज का और ये जो सब बन भी रहा है इसका सारा खर्चा हमारी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उठा रही है। कितने लोगों के लिए आप लोगों ने बेड की? अभी हम लोग 100 बेड देख रहे हैं और आगे चल के अगर सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ती है बिहार में तो हम देखेंगे कि हम इसे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, और इन 100 पेशेंट्स के लिए जितना स्टाफ हमें नर्सेज, हेल्थ प्रमोटर्स और डॉक्टर्स वगैरह की ज़रूरत होगी वो हम साथ में अपने लाते रहेंगे। ये बताएं ये जो फैसिलिटी आप तो देने के लिए शुरुआत करें, कब से ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी क्योंकि बिहार में केसेस बढ़ रहे हैं लगातार? तो हम लोग को भी यहाँ पे आए हुए अब देख रहे हैं कि काम ज़ोरों से चल रहा है और हमें कुछ टाइम 2-3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे, तो हमारी कोशिश है कि 10 जून से पहले पहले हम ये इस व्यवस्था को खोल दें और साथ में 10 तारीख के बाद से सारे केसेस लेना शुरू कर दें। सर आपसे मैं एक प्रश्न जरूर लूँगा, जो इंडिया में जो वायरस है अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर डेथ की जो संख्या है यहाँ पे कम है, तो क्या मरीजों में जो ये वायरस जो जा रहा है क्या वो कम खतरनाक है, इलाज से ठीक हो रहे हैं लोग, या बहुत ही जो गंभीर बीमारी है उनसे ग्रसित लोग हैं वही लोग की डेथ हो रही है? I think, sorry, my Hindi is really bad. See, so what is happening here is that we are seeing in Bihar the start of the peak of the epidemic. So I think we will see the peak cases in Bihar to rise around
middle of June or end of June is when we will see the case. If you look at the caseload that's happening in a place like Maharashtra, where every hospital bed is full and where every single patient is struggling to find a place, I think the expectation is that Bihar will reach that state as well somewhere around the end of June. And what we are doing is we're trying to prepare for that. We're hoping that the mortality rate stays low, like what we have seen now across India is the mortality rate stays low, but and about 15% of cases are critical. But 15% in a population like Bihar, where there's 124 million people, is still a huge number of people, and Bihar does not have the hospital beds for it. And what we're trying to do is a small bit from our side to contribute to that. सही बात है, सहयोग आपका है, सरकार के लिए आप मदद कर रही हैं. ये भी आपका कहना सही है कि महाराष्ट्र जैसे जगहों में के बेड की कमी कारण लोगों को परेशानी हो रही है. मैम ये सर से मैंने एक सवाल किया था, आप उस पर कुछ बताएं जो आप लोग देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि जो यहाँ पर केसेस आ रहे हैं ट्रीटमेंट पे वो ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा रिकवर होने की संभावना है दूसरे देश. देखिए अभी ये कंपैरिजन करना थोड़ा गलत होगा कि दूसरे देशों से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि केसेस आ रहे हैं. अभी इंडिया में लॉकडाउन की वजह से स्लो हो गया था, अब जब लॉकडाउन ईज हो रहा है तो धीरे धीरे केसेस बढ़ेंगे. तो अब जब केसेस बढ़ेंगे तब देखा जाएगा कि कितने लोगों की जो संख्या है वो बीमार पड़ रही है और उसमें से कितना निकल रहा है. तो इस बारे में हम कहेंगे कि किसी भी तरीके का टिप्पणी देना थोड़ा गलत होगा. तो बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि कम से कम मोर्टालिटी रेट रहे यहाँ पे, जितने रोगी हैं जितना ट्रीटमेंट हो सके वो ठीक होते जाएं, लेकिन अभी फिलहाल कम है. ये आपने बताया था कि सारी फैसिलिटी आप यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे जो मरीज आएंगे उनके रहने के लिए खाने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं आप कर रही हैं, कुछ सेफ्टी फीचर्स भी होना चाहिए क्योंकि ये एक पूरा खुला इलाका है, स्पोर्ट्स के लिए उपयोग किया जाता है, उन तमाम फीचर्स को कैसे आप लोग मेंटेन करेंगे? तो हम लोग अब ये हम लोग जो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दो जोन में डिवाइड कर रहे हैं, एक होगा रेड जोन और एक होगा ग्रीन जोन. रेड जोन वो जोन होगा जहाँ पे आपका पूरा मेडिकल स्टाफ और जो पेशेंट्स है वो रहेंगे. तो उस जोन की जो एंट्री होगी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगी. वहाँ पे सिर्फ जैसे आप अस्पतालों में देखेंगे वार्ड के अंदर एंट्री नहीं हो सकता है, वैसे ही इस इंडोर स्टेडियम में भी ये रेड जोन हो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स का इलाज और जो डॉक्टर्स हैं वो रहेंगे. उनकी सेफ्टी के लिए भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को यहीं, जितना भी मेडिकल स्टाफ है और जो पूरा MSF का डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का स्टाफ है वो यहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा. तो हम ये भी चाह रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन रहे बाहर के लोगों के साथ. और अभी सारा यहाँ से जब आप देखेंगे कि इधर से हम लोग बैरिकेडिंग करेंगे कि कोई आए ना बाहर के लोगों का. जब ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी आना यहाँ पे अलाउड नहीं होगा. हम लोगों के अपना सिक्योरिटी सुविधाएं होंगी जिससे हम श्योर करेंगे कि कोई भी पेशेंट जो है वो कहीं जाए ना या यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और वायरस ना फैले. और ये जो अभी आप देख रहे हैं बल्ले, यहाँ पे एक टेंट लग के इसको सिक्योर सील प्लेस करके बनाया जाएगा जिससे टेम्परेचर कंट्रोल भी रहे और जो इन्फेक्शन है वो भी बाहर ना जाए. सही बात है, बहुत धन्यवाद बिहार के लिए आप लोग इतना काम कर रहे हैं. अब जो मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर ये तमाम बेड है, मैं आपको कुछ नज़ारा भी दिखा दूँ कि किस तरह का बेड होगा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो. यहाँ पर ये तमाम बेड जो लगे हुए हैं उनके डिस्टेंस को भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग है उन तमाम तरह के डिस्टेंस को भी जो है यहाँ पे पालन किया जा रहा है. साथ ही साथ जो यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे यहीं पर रहेंगे, डॉक्टर जो स्टाफ होंगे वो भी यहीं पर रहेंगे. खाने के लिए जो है फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी. 24/7 आवर्स जो है यहाँ पे वर्क होगा. हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होंगे ये संस्था की तरफ से ही रखे जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मॉनिटरिंग होगी कि जो यहाँ पे मरीज आए उन्हें समय पर सभी कुछ फैसिलिटी मिल रही है. संस्था की तरफ से जो अगर जरूरत है तो उन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाए. डॉक्टर विदाउट बॉर्डर की तरफ से ये कोशिश इसलिए की जा रही है कि देखिए बिहार में जो बेड्स हैं कोरोना मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं. जून और जुलाई में केस और बढ़ने को लेकर अलर्ट पहले से किया गया. तो तमाम इस स्थिति में जो है जहाँ से जो कहा जाता है कि लोगों को मदद मिल सके उन तमाम संस्थाएँ भी मदद कर रही हैं और इसी में जो है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर की तरफ से जो काम किया जा रहा है सराहनीय और समाज के लिए जो कहा जाता है एक बहुत ही ज़रूरतमंद इस समय में एक उपयोगिता वाला काम है. डॉक्टर विदाउट बॉर्डर की तरफ से पटना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो COVID-19 के मरीजों के लिए जो कहा जाता है ट्रीटमेंट सेंटर जो खोला जा रहा है उसमें जो तैयारियां हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तमाम जो मेडिसिन होंगी या जो भी इक्विपमेंट होंगे जो डॉक्टर्स से लेकर पेशेंट तक उपयोग करेंगे वो तमाम यहीं पर व्यवस्था की गई और संस्था की तरफ से व्यवस्था की गई. ये स्टॉक जो है यहाँ पर रखा गया, सभी व्यवस्थाएँ जो हैं यहाँ पर आ गई और ये मान के चला जाए कि 10 जून तक जो है ये सेंटर्स 10 जून से पहले तक ये सेंटर जो है
शुरू हो जाएंगी, क्या कुछ फैसिलिटी मेडिकल में जो है लोगों को यहाँ पे दी जाएगी, उनसे आपसे जानेंगे, मैं आपका परिचय पहचानूंगा। मैं मनीष हूँ और मैं लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, क्या जो पेशेंट आएंगे, क्योंकि जो ये संक्रमण से जुड़ा हुआ बीमारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा कि ये संक्रमण दूसरे तक ना पहुँचे, तो क्या कुछ आप सतर्कता के लिए जो सो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी जो उस वार्ड में काम करेंगे, चाहे वो हमारे क्लीनर्स हों, डॉक्टर्स हों, तो उनके लिए हम लोगों ने सारे पीपीई का व्यवस्था किया है। हमारे पास आइसोलेटेड गाउन्स हैं, गोगल्स हैं फॉर आई प्रोटेक्शन, फिर ग्लव्स हैं और शू कवर भी हैं हमारे, तो ऊपर से नीचे तक वो बंदा पूरा ढका होगा। उसके बाद पेशेंट्स के लिए जो काफ़ी मॉडरेट होंगे या फिर, तो हमारे लिए पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये पूरे इलेक्ट्रिक पे काम करता है, और चूंकि इसके बैकअप के लिए, क्योंकि कई बार होता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हमारे पास यूपीएस भी हैं, तो ये सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूपीएस से कनेक्ट होंगे और यूपीएस के बाद ये जनरेटर बैकअप पे भी होंगे, तो ताकि इसमें ये जो एक ऑक्सीजन के जो किट आप बता रहे हैं, इसमें क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ऑक्सीजन को ये कॉन्सेंट्रेटर, तो इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें डिस्टिल वाटर होता है, तो वो आपका ऑक्सीजन जनरेट करता है। और ये 10 लीटर के भी होते हैं, हमारे पास 5 लीटर के भी हैं, पर हम मैक्सिमम 10 लीटर के रख रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 20 हैं जो 10 लीटर के हैं, तो हम उनका यूज़ करेंगे। कितने और पेशेंट को आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर, फिलहाल हमारी कैपेसिटी 20 की है, लेकिन हम तुरंत इसका ऑर्डर और ज़्यादा कर रहे हैं, हम 45 तक का वो बैकअप रखेंगे अपना, जो जरूरी होती है इस ट्रीटमेंट के दौरान, उन तमाम चीज़ों को लेकर स्टॉक आप लोगों ने पूरा। हाँ, मेडिसिन का भी तमाम हमारे स्टॉक्स हैं और कुछ स्टॉक्स हमारे आने भी वाले हैं, तो इसी वजह से 10 जून तक का खोलने का हमारा प्लान है, वो इसीलिए है कि तब तक हमारे पास सब कुछ का बैकअप हो। भारतीय रेल ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की है, और अब तक यानी आज तक जो कहा जा सकता है कि 48 लाख से अधिक जो कहा जा सकता है प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक इन ट्रेनों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। 4543 ट्रेन जो हैं वो चलाई जा चुकी हैं। पूर्व मध्य रेल की अगर बात कर ली जाए तो 1376 जो ट्रेन हैं यहाँ तक चलाई जा चुकी हैं। ये ट्रेनें जो हैं बिहार के प्रवासी मजदूरों को जो है उनके घर तक लाने की व्यवस्था कर रही है। देखिए, खबरें लगातार मिल रही थी कि जो मजदूर आ रहे हैं उनके पास पैसे नहीं होने के कारण खाना पीना नहीं ले पा रहे हैं, और जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही, तो ये भारतीय रेल की तरफ से जो है, पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत दानापुर डिवीजन है, और यहाँ पटना जंक्शन पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मजदूरों के लिए जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो है खाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, ट्रेनों में जो लोग बैठ कर आए हैं, लंबी सफर कर रहे हैं, ये ट्रेन मडगांव से आई है और दीमापुर तक जाएगी, यानी लंबी दूरी है, और लोग इस ट्रेन में जो है सफर करने के लिए जो पहुंचे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था के रूप में आप देखिए यहाँ पर जो है पानी की बोतलें दी गई हैं, सभी लोगों को पानी की बोतल यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। खाने के लिए जो है फूड्स पैकेट जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, फूड्स पैकेट भी दिए जाएंगे। देखिए, पूरे स्टेशन जो परिसर है, पूरी गतिविधि जो है यहाँ पर शुरू हो गई है, और यहाँ पर जो देख सकते हैं, वहाँ पे दिखाएं कैमरे की नज़र से ये तस्वीर है कि देखिए फूड्स पैकेट जो है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो है मुहैया कराई जानी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, मगर जो स्टॉपेज का जो समय दिया गया है उस दौरान जो है ये पूरी फैसिलिटी देनी है लोगों के लिए। ये फूड्स पैकेट है और उनको जो है ये फूड्स पैकेट मुहैया कराए जाएंगे। ये पैकेट इसलिए हैं कि अगर ट्रेन में अगर खाना मिलने में कुछ देरी हो तो इन फूड्स पैकेट स्नैक्स के माध्यम से वो अपनी भूख मिटा सकते हैं। बच्चे भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बड़े भी सफ़र कर रहे हैं, तो खाने की जरूरत सभी तमाम लोगों को है। और कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी आप लोगों में से कोई बोलते हैं हिंदी बात है? ये बताओ आप सफ़र करके आ रहे हो, खाने पीने के जो सामान मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, रेलवे की तरफ से दी जा रही है? हाँ, दे रहे हैं। टाइम पे मिल रहा है? कहाँ से आप लोग सफर करके आ रहे हैं? गोवा। हम गोवा से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आप? नागालैंड जा रहे हैं। ये जो ट्रेन में फैसिलिटी खाने पीने के मिल रही है उसके बारे में बताया, क्या कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है या फ्री है? सब फ्री है। अभी तक कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं आप लोगों को? नहीं। अब भारतीय रेल की तरफ से ये जो फैसिलिटी दी गई उसके बारे में कुछ कहेंगे, थैंक्स कहेंगे या कुछ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिकायतें मिल रही थी, बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, कुछ ऐसे घटनाएं भी सामने आए जो मजबूरी में लोग कर रहे थे, तो आप लोग अब फैसिलिटी जो ठीक मिल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे, थैंक्स या क्या कहेंगे? थैंक यू बोलेंगे, मुझे हिंदी इतना नहीं आता फिर भी शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया कहेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर फैसिलिटी अच्छी मिले, पटना जंक्शन के डायरेक्टर जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए तमाम अधिकारी को ये निर्देशित किया गया है कि वो नज़र बनाए रखें। सर, ट्रेन आई हुई है, लंबी दूरी की ट्रेन है, आप लोग दानापुर डिवीजन और ECR में ये ट्रेन पड़ रही है, तो आप इसको देख रहे हैं, क्या कुछ खासियत दे रहे हैं?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी मीडिया में ये शिकायत आई हुई थी, मीडिया में जो शिकायत आई हुई थी कि जो श्रमिक पैसेंजर्स में यात्री हैं उनको भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है और ट्रेन डिलेड होकर के चल रही है, इसका निराकरण हमारे पास किया जा रहा है। दानापुर डिवीज़न ने फॉर द फर्स्ट टाइम सारे यात्रियों को एक पैकेट्स मुहैया करवाया है, उसमें वाटर बॉटल, उसमें जूस की व्यवस्था है, खाने के लिए बिस्किट है, चिप्स है, अदर नमकीन्स दिए गए हैं। नॉट ओनली दैट, RCTC ने भी कुछ व्यवस्था किया है, वो अभी कंजम्पशन कर लेंगे और हमारे जो पैकेट्स हैं रास्ते में जहाँ चाहें अपनी एंड रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये थोड़ी सी शिकायत, पैसेंजर्स आर वेरी हैप्पी, दे आर सेइंग थम्स अप दानापुर डिवीजन, थम्स अप दानापुर डिवीजन। सर क्वांटिटी क्या पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं क्वांटिटी क्या, दो पानी के बोतल दी जा रही है क्योंकि लंबी सफर है। पर पैसेंजर दो बॉटल, पर पैसेंजर दो बॉटल। इसका कोई चार्ज भी आप लोग लेंगे या चार्ज कुछ लेने नहीं, इसका स्पॉन्सरशिप का तरीका अलग है। फिलहाल पैसेंजर की सुविधा का ध्यान रखा जाता है, स्पॉन्सरशिप चिंता आप ना करें। रोजाना सर काफ़ी गाड़ियां आ रही है सर दानापुर डिवीजन या ECR में कई जो जो, जो डिवीजन पड़ते हैं उन तमाम जगहों पर निर्देशित इसी तरह के व्यवस्था करने को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निर्देश है, सब लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप पैसेंजर से बात कर सकते हैं, दे आर हैप्पी। सही बात है। ये पटना जंक्शन के डायरेक्टर नीलेश कुमार जी थे, उन्होंने बताया कि इन्हें जिम्मेवारी जो दी गई है उन जिम्मेवारी को निभाया जा रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, देखिए जो लोग हैं ये ट्रेन में हैं उनके पास पानी की बोतल है, ये मैं आपको दिखा दूँ कुछ, ये कुछ आप बताएंगे ये सफ़र में खाने पीने की कोई कमी, सफर में कुछ खाने पीने के दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत नहीं, सब स्टेशन में जमा ग्रुप रहे, सब कुछ मिल रहा है। खाने पीने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है या सब कुछ? नहीं नहीं सब फ्री मिल रहा है, सब फ्री मिल रहा है। ट्रेन में कोई दिक्कत कुछ परेशानी कुछ हो रही होगी? कुछ परेशानी नहीं है लेकिन पानी का थोड़ा परेशानी हो रहा है। पानी मतलब ट्रेन में पानी नहीं है या पीने के लिए पानी नहीं है? नहीं पीने के लिए है, बहुत है, पीने के लिए हर स्टेशन में पानी आप लोग को फ्री मिल रही है? फ्री में मिल रहा है। आप लोग के लिए स्पेशली खाने भी खाने के लिए हैंड सैनिटाइजर देखिए यहाँ पर उन लोगों को भी दिया जा रहा है जो इस कोच में जिम्मेवारी लिए रखी है उन्होंने कि उन्हें ये कोच है, सैनिटाइजर भी आप लोग दे रहे हैं जी? लाइफ बॉय का सैनिटाइजर हम लोग दे रहे हैं कि देखिए इन्फेक्शन ना फैले, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है। ट्रेनों में जो सफ़र कर रहे हैं लोग उनसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, जस्ट अ फ्यू सेकंड। ओके शायद हिंदी नहीं जान सकते, मैं कुछ और लोगों से एक मिनट मैं इधर, कुछ परेशानी हो रही है ट्रेन में सफर के दौरान? कुछ खाने पीने की दिक्कत हो रही है? सामान मिल रहे हैं खाने पीने के लिए? मिल रहे हैं सब चीज़? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है या सब फ्री मिल रहा है आपको? फ्री मिल रहा है। चलिए आपको यात्रा मंगलमय हो। देखिए ये तमाम लोगों से हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि देखिए शिकायतें जरूर आ रही थी कि ट्रेन में जो सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही थी। देखिए ये जो इन्होंने खाना जो इनको मिला, क्या क्या खा रहे हैं आपको जो अभी मिला ये? अभी इधर स्टेशन पे बिरयानी है ये? हाँ बिरयानी। आप लोग की तरफ से क्या डिमांड भी हुआ था क्या बिरयानी मिलेगी? राइस कुछ ऐसे बात मतलब खुश है खाना जो मिला? खुश है? हाँ खुश है, बहुत खुश है। पेमेंट इसका करना पड़ा क्या? हाँ पेमेंट इसका करना पड़ा? नहीं पेमेंट नहीं करना पड़ा, इसे रेलवे से मिल रहा है, खाना पानी सब मिल रहा है। हाँ। स्नैक्स भी आप लोग को दिया गया है? हाँ दिया। बच्चे भी हैं आप लोग के साथ? क्या खुश है, बहुत खुश खुश है, सफर कर रहे हैं। चलो खाना खा रहे हैं और खुशी से सफर कर रहे हैं, उनके घर तक पहुँचना है। लॉकडाउन का समय था, काफ़ी लंबा समय रहा है और मैं चलता हूँ कुछ और भी क्योंकि देखिए IRCTC की तरफ से भी जो है जो ये व्यवस्थाएँ की जा रही हैं वो उनके पदाधिकारी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर ले क्योंकि देखिए IRCTC की तरफ से कैटरिंग फूडिंग ये तमाम तरह की जिम्मेवारी जो है उनको दिया गया है। मैं उन लोगों से भी बात करा दूँ, पटना जंक्शन के इंस्पेक्टर हैं उनसे बात कर दो। सर सभी ट्रेनें रुक रही हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कोई परेशानी ना हो? हाँ परेशानी नहीं है, बाहर के नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, स्टूडेंट हैं और ख़ास करके लड़कियाँ ज़्यादा हैं इधर गोवा तरफ से आ रही हैं, इनके सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया गया और खाना पानी व्यवस्था रेलवे प्रशासन कर रहा है। रेलवे की जो सुरक्षा की टीम है GRP के इंस्पेक्टर थे वो अपनी और हम देखिए ये तमाम लोगों को जो है खाना मुहैया करा दिया गया है ट्रेन में। देखिए सभी कोच में जो है फूड अवेलेबल है और हम आपको ले चलते हैं पूरे ट्रेन में दिखाएंगे क्योंकि ये ना किसी को लगे कि ट्रेन में खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर किन को दिक्कत है पीछे भी अगर बोगी में तो वो भी अपने खाना यहाँ पे देखिए पूरा एक ग्रुप है। सर को आप बुला लें यहाँ पर पूरा एक ग्रुप है। खाने के बारे में कुछ आप बताओ, जो आप लोगों को खाना मिल रहा है कैसा लग रहा है? आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही? खुश है? हैप्पी? या हैप्पी। इंडियन रेलवे को थैंक्स कर रहे हैं आप?
अच्छा आप लोग को ये जो खाना मिला इसके बारे में आप लोग को कुछ पेमेंट करना पड़ा है या सभी चीज फ्री मिल रहे हैं? ये इनके तरफ से खुशी का ये जो चेहरा है क्योंकि देखिए लॉकडाउन में जिस तरह से लोग फंसे हुए थे इनके लिए जो जिस तरह से फैसिलिटी अब देनी शुरू कर दी गई है। देखिए शिकायतें जरूर मिली थी कि उन्हें टिकट लिया जा रहा है मगर अब राज्य सरकार के तरफ से भी जो है उन्हें ट्रैवल टिकट का पैसा जो भुगतान किया जा रहा है साथ ही साथ खाने के लिए जो है रेलवे की तरफ से जो कोई पैसा नहीं चार्ज नहीं किया जा रहा है। IRCTC की एक जिम्मेवारी होती है रेलवे में खान पान सेवा देने के लिए। रीजनल मैनेजर हैं राजेश कुमार, उनसे हम बात करते हैं। सर आप खुद लगे हुए हैं, जिम्मेवारी होती है आपके स्टाफ काम करते हैं मगर आप खुद देख रहे हैं कैसे? देखिए ये जो खुशी आप देख रहे हैं इनके चेहरों पे बस यही हमारा सेटिस्फेक्शन है हमारी टीम का। हमारी टीम दिन रात काम कर रही है और आप मानेंगे कि ECR में हम लोगों ने करीब करीब 20 लाख मील अभी तक खिलाए हैं और ये अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है जब इनकी खुशियाँ देखते हैं इनके चेहरों पर। तो ये हमारे क्या खाना आप लोगों ने प्रोवाइड आज हमने इनको इनकी विशेष मांग थी हमें जब गाड़ी DDU से भी आगे था तब इनकी विशेष मांग थी कि ये बिरयानी खाना चाहते हैं राइस खाना चाहते हैं तो हमने फटाफट इनके लिए राइस का प्रिपरेशन कराया और अभी इनको बिरयानी सर्व किया है और दे आर वेरी हैप्पी बहुत खुश हैं ये लोग और ये इनके चेहरों पर दिख रहा है। आप जब मिलेंगे और कुछ लोगों से मैं बात भी कर रहे तो क्योंकि हाँ। ये जो जो आपने फैसिलिटी दी सर इन लोगों को बिरयानी का क्या इसके लिए कुछ पेमेंट भी आप लोगों को नहीं 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 ये बिल्कुल फ्री है कोई नहीं ये भारतीय रेल की तरफ से IRCTC की तरफ से बिल्कुल फ्री है। पानी की बोतल भी जो दी जा रही है दो पानी की बोतल एक लोगों को दो पानी की बोतल हर खाने के साथ। चलिए देखिए रेलवे की तरफ से IRCTC की तरफ के अलावा जो है हमने रेलवे की तरफ से भी हम कुछ PAD आइटम्स दे रहे हैं केक बिस्किट चिप्स सो दैट कि इनके रास्ते में किसी चीज की तकलीफ ना हो और आगे भी खाने की व्यवस्था है जैसे जैसे आगे स्टेशन जाएंगे कटिहार में भी है आगे NJP में भी है तो ये हर स्टेशन पे हमने इसकी व्यवस्था कर। चलिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद क्योंकि लोगों की मदद का ये जो समय है बहुत है। आप लोगों को जो खाना मिला इसके बारे में बताओ क्या कुछ डिमांड थी आप लोगों को बिरयानी खाने की डिमांड थी पूरा किया गया उसे ट्रेन हिंदी आप में से कोई बोल सकते हैं हिंदी खाने के लिए आप लोग को जो मिल रहा है क्या कहोगे बेटर क्वालिटी है वो काफी वो पानी अच्छे है सब बोतल काफी पानी मिले है बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बिरयानी आप लोग को आपके डिमांड पे जो हम लोग ने पहले रास्ता इधर पहुंचने के पहले में हम लोग राइस मांगा था तो वो किसी ने बताया होगा वो हम लोग ने वो जो चाहिए मिल गया बहुत शुक्रिया। ये हम लोग गोवा से निकलने के बाद में यही फर्स्ट टाइम राइस मिला हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया कह रहे हैं 1600 से अधिक जो हैं यात्री हैं इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए इस ट्रेन के साथ गुजर रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन है राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से रेलवे की तरफ से जो काम किया जा रहा है तमाम लोगों को जो है फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है खाने के फूड्स पैकेट दिए जा रहे हैं। अब शिकायतें जो मिल रही थी कि जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें लोगों को खाना पानी या जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा मगर ये एक तस्वीरें दिखा रही हैं कि वैसे लोगों को जो है राहत मिल रही है जो श्रमिक ट्रेन से आ रही हैं। रेलवे की तरफ से भी जो है प्रयास काफ़ी किया जा रहा है कि जो लोग आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और कोई भी परेशानी ना हो इस सफ़र के दौरान खाना पानी तमाम जैसे सुविधा जो है उन्हें मिले समय मिले और लोग भी जो है जो सफ़र कर रहे हैं श्रमिक ट्रेन से वो भी कह रहे हैं कि अच्छा जो है उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है रेलवे का अच्छा सहयोग मिल रहा है और इस तमाम फैसिलिटी को लेकर वो थैंक्स कर रहे हैं भारतीय रेल को। इस समय कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं गौतम कौंड कशिश न्यूज पटना।